नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ में रुकने के लिए सस्ते में बेहतर जगहों के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उसकी पूरी डिटेल दूंगा कि आप उसकी बुकिंग कैसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्टेक्ट करके उसकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं, उसका रेट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, तो सभी डिटेल इस वीडियो में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को जरूर लाइक कर दे, कॉमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इससे मेरा चैनल कुछ ग्रो हो जाएगा तो रेगुलर इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सस्ते में बेहतर एकोमोडेशन की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए जो रूम सर्विस है उससे बेहतर कोई ऑप्शन अवेलेबल है सोमनाथ में। तो सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा 5 अतिथि भवन चलाए जाते हैं। पहला सागर दर्शन अतिथि भवन, दूसरा आपका लीलावती अतिथि भवन, तीसरा हो गया महेश्वरी अतिथि भवन, चौथा हो गया डोरमेट्री अतिथि भवन और पांचवा हो गया आपका सांस्कृतिक भवन। तो अगर इसे प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बांटा जाए ना तो फर्स्ट नंबर पे हाई रेंज में आपका आ जाएगा सागर दर्शन अतिथि भवन, अगर मीडियम रेंज की बात की जाए तो महेश्वरी भवन और लीलावती भवन, अगर बजट एकोमोडेशन की बात की जाए जो हमारे लायक है तो डोरमेट्री सर्विस हो गया आपका और चौथा आपका सांस्कृतिक भवन आ गया। पहले हम हाई रेंज से चालू करते हैं तो आपका सागर दर्शन अतिथि भवन। सागर दर्शन अतिथि भवन की लोकेशन की बात की जाए तो इसकी दूरी मंदिर से सबसे नजदीक है 400 मीटर, मीन्स 3 से 4 मिनट पैदल चल के आप यहाँ पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 2.3 किलोमीटर है, तो आप किसी भी ऑटो वाले को बोलेंगे तो 50-60 रुपये में वो आपको यहाँ तक छोड़ देगा, और बस स्टेशन से इसकी दूरी 1.2 किलोमीटर, तो आप उससे वहाँ से भी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसकी बुकिंग की बात की जाए तो आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको सोमनाथ ट्रस्ट का जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसके थ्रू करवा सकते हैं। ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन ही करवा दें, कभी कभी यहां पे ऑफलाइन रूम अवेलेबल नहीं भी होता है। तो प्राइस रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे 1250 में आपको सबसे लो ग्रेड का कमरा मिल जाएगा, और हाई रेंज की बात की जाए इससे तो 3000 में भी रूम अवेलेबल है, 4000 में भी रूम अवेलेबल है। तो जो रेंज है उससे आपको लगभग 1000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है। जब आप चेकआउट करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा रुपीज़ है वो आपको रिफंड हो जाता है। तो ये डिटेल हो गई। तो अब आप अपने सेकेंड सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो इसकी अगर जैसे महेश्वरी भवन और लीलावती भवन और डोरमेट्री सर्विस और जो सांस्कृतिक भवन है, ये सब सागर सोमनाथ ट्रस्ट का जो कंपाउंड है उसी के अंदर है, तो यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी बस 900 मीटर है, तो रेलवे स्टेशन से जब आप निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मुड़े तो आप 250 मीटर चले, उसके बाद एक बड़ा सा गेट दिखेगा, तो आप राइट टर्न लेंगे तो आप सोमनाथ मंदिर के रास्ते पे आ जाएंगे। तो 700 मीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक गेट दिखेगा, तो एक साइड लीलावती भवन लिखा हुआ है, एक साइड महेश्वरी भवन लिखा हुआ है और सोमनाथ ट्रस्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, तो आप उसके थ्रू अंदर चले आएंगे तो वो आपको इसी कंपाउंड में सभी मिल जाएगा। और सोमनाथ ट्रस्ट का जो बुकिंग ऑफिस है वो भी है यहीं पे, और भी बहुत सारे बिल्डिंग है सोमनाथ ट्रस्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ जब पहुँच गए हैं तो यहाँ पे अगर बुकिंग की बात की जाए तो लीलावती भवन और महेश्वरी भवन में ही ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। डोरमेट्री सर्विस या जो आपका सांस्कृतिक भवन है इसे आप ऑनलाइन बुक नहीं करवा सकते। तो पहले मैं लीलावती और महेश्वरी भवन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, तो 70 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे खाने के लिए, और 30 रुपये में आप यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं, चाय पीना है तो 10 रुपये पे कर सकते हैं। और यहाँ पे रूम की बात की जाए तो 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा डबल बेड नॉन एसी के लिए, और एसी रूम के लिए आपको 950 रुपये पे करना पड़ेगा। और यदि आप 4 बेड का रूम चाहते तो लीलावती भवन में वो भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 1700 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैं रेट चार्ट दे देता हूँ जिससे आप ये ट्रस्ट के द्वारा जो भी धर्मशालाएं चलाई जाती हैं तो उसका आप रेट देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। इन दोनों का भी आप बुकिंग ऑनलाइन ही करवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन कभी कभी अवेलेबल नहीं भी होता है। तो अब अपने तीसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं, बजट एकोमोडेशन पे। तो बजट एकोमोडेशन डोरमेट्री की बात की जाए तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था डोरमेट्री पे, तो बहुत ही बेहतर जगह है। आप यहाँ अगर आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं या 2-4 लोग के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेडीज का अलग व्यवस्था है, जेंट्स का अलग व्यवस्था है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं।
और बात की जाए जो डोरमेट्री की, तो ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, 4 फ्लोर में एकोमोडेशन है और 1 फ्लोर ऑफिशियल वर्क के लिए। तो 4 फ्लोर पे पर फ्लोर में 80 लोगों की व्यवस्था है, 4 रूम है, पर रूम में 20-20 लोग रुक सकते हैं। तो एक साइड जेंट्स का व्यवस्था होता है, एक साइड लेडीज का। और यहाँ पे कैमरे लगे हैं, तो सिक्योरिटी की भी कोई इशू नहीं है। जब आप बुकिंग करवाने जाते हैं तो आपको 150 रुपये पे करना पड़ता है, 90 रुपये, और जब आप चेकआउट करेंगे तो 60 रुपये आपको रिफंड कर देगा। वॉशरूम ये सब भी साफ सुथरा है, बेड आपको साफ सुथरा मिलेगा, मीन्स आप आ सकते हैं, बहुत ही बेहतर जगह। जब मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ रुका था, तो मेरा एक आप सजेशन ले सकते हैं, और भी बहुत लोगों की सजेशन है, आप देखेंगे गूगल पे तो वो मिल जाएगा, सब उसको अच्छे ही रेटिंग देते हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। सांस्कृतिक भवन में यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 20 लोगों के लिए आप 450 में रुक सकते हैं, मीन्स अगर आप कैलकुलेट कर ले तो कितना आ जाएगा, बहुत ही कम हो गया, सारे 12 रुपये में भी पर पर्सन, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता, तो जब आप आएंगे तो मे भी खाली हो तभी आपको ये जगह मिलेगी सांस्कृतिक भवन का। यदि आप कॉन्टेक्ट के थ्रू बुक करना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए लेकिन आपको 20 लोगों का डोरमेट्री बुक करवाना पड़ेगा। यदि आप 20 लोग हैं तभी डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं, तो उसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लेंगे तो आपको और भी प्रोसीजर बता देंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा, और अपने सजेशंस लिखें जिससे औरों की भी मदद हो पाएगी। थैंक यू।